आम तौर पर हमारे सभी साथी एमएस वर्ड में फॉन्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिखे हुए टेक्स्ट का डिज़ाइन बदलने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से सिर्फ फॉन्ट की मदद से आप अलग अलग एक्साइटिंग चीज़ें बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, फॉर्म बनाना, OMR शीट बनाना, चेकलिस्ट बनाना और बुलेट्स बनाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप फॉन्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। आपको कुछ और ऑप्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार इस वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को MS Word की अच्छी नॉलेज मिल पाए। आमतौर पर मैं और आप फॉन्ट का इस्तेमाल एक फॉन्ट हैंडराइटिंग के तौर पर करते हैं, वे ऑफ हैंडराइटिंग। आप कुछ एक्साइटिंग फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे एरियल कॉमिक, एरियल ब्लैक हुआ, टाइम्स न्यू रोमन, इम्पैक्ट, वरदाना, मंगल, और इस तरीके से आप एक तरीके के टेक्स्ट का वे ऑफ राइटिंग बदल देते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीखते हैं कि कैसे सिर्फ फॉन्ट की मदद से आप सबसे पहले चेकलिस्ट, बुलेट्स, OMR फॉर्म बनाते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे एक बुलेट लिस्ट यानी कि बुलेटेड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ फॉन्ट की मदद से। तो आप अपने फॉन्ट पर जाएंगे और आप अपने फॉन्ट पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक फॉन्ट टाइप करना है साथियों, दैट इज़ विंगडिंग्स। जी हाँ बिल्कुल सही, विंगडिंग्स का इस्तेमाल कीजिए और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही फॉन्ट हमारा सेलेक्ट हो गया विंगडिंग्स। और अब आपको क्या करना है कि एक शॉर्टकट की का प्रयोग करना है। शॉर्टकट की है Alt 129। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, Alt 129 129। ये मैंने Alt 129 प्रेस किया और मेरे सामने एक सिंपल चेक मार्क आ गया है। ये देखिए चेक मार्क है। मैंने टैब बटन का इस्तेमाल किया, टैब की, और ये अब एक बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, एक बुलेट बन गया। अब लेकिन साथियों क्या है कि अभी भी मेरा फॉन्ट यहाँ पर ऊपर विंगडिंग्स ही है, तो यहाँ साथियों आपको इसे बदल करके वो फॉन्ट रखना पड़ेगा जो फॉन्ट आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमिक लिया मैंने यहाँ पर, और अब मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। मैंने अपना टाइप करना शुरू किया टेक्स्ट को, जैसे आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, तो उनमें से आपके घर पर क्या क्या है, टीवी, एंटर, इसके बाद एसी, एंटर, मोबाइल, एंटर, देन आफ्टर आपके पास कार, बाइक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेरी बुलेटेड लिस्ट तैयार हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट की मदद से है। Ctrl+A, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूं मैं आपके लिए ताकि स्क्रीन पर प्रॉपर विजिबल हो पाए साथियों। यहां पर ये देखिए जहां पर आपकी बुलेटेड लिस्ट तैयार हो चुकी है, आप एक बार एक्स्ट्रा एंटर प्रेस कीजिए और ये बुलेट कंप्लीट हो गया। नए बुलेट की शुरुआत करते हैं और उसके लिए मुझे अपना फॉन्ट लेना पड़ेगा विंगडिंग्स। जी हाँ साथियों, फिर से मैं विंगडिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और विंगडिंग्स में मैंने फॉन्ट के साथ में शॉर्टकट की ली Alt 92। जी हाँ बिल्कुल सही, Alt 92 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फॉन्ट है उसने एक अलग सिंबल क्रिएट कर दिया है, ये देखिए Alt 92। सिंपल टैब बटन का इस्तेमाल किया और फिर से आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो याद रखिए कि आपका फॉन्ट वापस दूसरा होना चाहिए। जैसे एरियल, मैंने एरियल लिया और टेक्स्ट लिखना शुरू किया। काफ़ी सारे हैं, अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग है,
आप उसमें से सिंबल सर्च कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, यहाँ तक तैयार हुआ, एंटर कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर मैंने फिर से लिया यहाँ पर एक और शॉर्टकट, याद रखिए सबसे पहले मैंने ऑल्ट का इस्तेमाल किया था और ऑल्ट में मैंने 129 का इस्तेमाल किया था, अब मैंने ऑल्ट 92 लिया। वैसे मैं चाहूँ तो ऑल्ट 1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटर की क्लास है, ऑल्ट 1। ओ ऑल्ट 1 और यहाँ पर एक कंप्यूटर टैब और आपने अपना टेक्स्ट फॉन्ट बदल के वापस कर लिया एरियल और टेक्स्ट लिखना शुरू किया, एंटर 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 एंटर। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेकर के यूज कर सकते हैं। जैसे एक और नंबर लेते हैं, ऑल्ट 1 छोड़ देते हैं, 71 ले लेते हैं या 72 ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। सो ऑल्ट 72 में देखिए जो आप इमोजी इस्तेमाल करते हैं 71 70, इस तरीके से इमोजी का आप इस्तेमाल करते हैं और उसको टैब प्रेस करके बुलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये फॉन्ट नहीं बदला गया तो ऐसा आएगा। आपके लिए और बेहतर कर देता हूँ इसको कि ऑल्ट के साथ में ही आपने सारे बटन प्रेस करके चेक कर लेना है ऑल्ट 1 पे क्या आता है, ऑल्ट 2 पर क्या आता है, ऑल्ट 3 पर क्या आता है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड माउस सभी के कीज़ मिलेंगे, ऑल्ट 4 ऑल्ट 5 अब मैं प्रेस कर रहा हूँ और चेक कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने बनाया। अब मैंने ऑल्ट 155 लिया, एक सर्कल का इस्तेमाल किया, तो पहली चीज़ हमारी कंप्लीट हुई। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि फॉन्ट में सिर्फ फॉन्ट नहीं, हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं। अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने अपना टेक्स्ट टाइप किया, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, पेज का साइज जूम कर देता हूँ और इसको सेंटर में ले आता हूँ, कंट्रोल आई इटैलिक कर दिया, बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड कर सकता हूँ, एंटर, और अब एंटर करने के बाद लेफ्ट अलाइन, दैट इज राइट। चलिए अब मैंने क्या काम करना है, अपने फॉर्म का कंटेंट लिखना शुरू करना है। जैसे नेम टैब की का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 ये मैंने टैब दे दिया, एंटर, मैंने लिखा फादर नेम या फादर्स नेम, 1 2 3 मेरे लिए काफ़ी है। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर लिखा मदर नेम, एड्रेस 1 2 3 क्योंकि गैप चाहिए होता है, और फिर मैंने यहाँ पर एक और गैप बना दिया क्योंकि एड्रेस दो लाइन का भी हो सकता है, एंटर। इसके बाद में मैंने यहाँ दिया डेट ऑफ बर्थ DOB 1 2 3, टैब हमने पहले से सेट कर दिया, एंटर, और अब कैटेगरी मतलब जो भी फील्ड आप चाहते हैं, CAT कैटेगरी, तो जो भी फील्ड आप चाहते हैं वो आप पहले से टाइप कर लीजिए, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। अब साथियों हमें क्या करना है कि अपना फॉन्ट बदल देना है वापस से विंगडिंग्स। जी हाँ बिल्कुल सही, विंगडिंग्स का इस्तेमाल, ओ टाइप हो फुल टाइप कर देते हैं, सो विंगडिंग्स, बिल्कुल सही विंगडिंग्स लिया मैंने, और अब वही शॉर्टकट ऑल्ट 23, एक बॉक्स आ गया क्योंकि ये इटैलिक है इस वजह से आपको तिरछा दिख रहा है, कंट्रोल आई वापस ले आते हैं, कंट्रोल बी हटा देते हैं बोल्ड, और अब मैंने इसको सिलेक्ट किया माउस से कीबोर्ड से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट का साइज कम कर देता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए, टैब बनाने से फॉन्ट सेटिंग बिगड़ी नहीं है, सही चल रहा है। ये मैंने कॉपी जो है वो बड़े फॉन्ट में है तो ये मैं कॉपी करता हूँ छोटे फॉन्ट में, और ये पेस्ट हो गया जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर बड़ा करके मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं फॉन्ट साइज बड़ा रख रहा हूँ, आप इसे छोटा कर लीजिएगा। चलिए तो अब इसके बाद दोबारा से हम इसे पेस्ट करते हैं, ये हमारा पेस्ट हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा गैप है तो इस गैप को कम कर देते हैं, फिर से मैंने फॉर्म की तैयारी की, कंट्रोल वी पेस्ट किया, दूसरे लाइन को भी कंट्रोल वी, दो लाइनों में चाहिए, DOB के लिए कंट्रोल वी, और ये एक्स्ट्रा है तो इन एक्स्ट्रास को हम डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी,
अब ये जो एक्स्ट्रा इसमें गैप बना देते हैं टैब, और ये टैब एक लाइन का गैप बनाते हैं छोटा सा, शिफ्ट एंटर, सिर्फ एंटर से नहीं बना रहा हूँ मैं, लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, और DD क्योंकि ये फॉन्ट अलग है, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट मैंने कंट्रोल स्पेस बार से इसका क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। टैब MM, टैब YY फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। अभी जब ये पूरा तैयार होगा तो आपको और बेहतर दिखेगा। अब कैटेगरी, आप कैटेगरी के लिए सिमिलर ले सकते हैं, SC स्पेस, और ये डिलीट कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा है आपके, ये भी एक्स्ट्रा डिलीट हो गए। कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, SC के बाद हम ST लिखेंगे। पहले पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, OBC एंड जनरल, राइट, इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा सा अगर बड़ा या गैप ज़्यादा है तो कम कर लेंगे हम उसको सभी के साथ में, पेज लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये SC हुआ, इसको आप ST कर दीजिए, और इसको कर दीजिए OBC, एंड देन आफ्टर जनरल ऑफ कोर्स गैप कम कर लीजिएगा, अगर आपको गैप ज़्यादा लग रहा है तो आप गैप को कम कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर, तो ये कुछ सेटिंग्स करके आप इसके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पूरा टेक्स्ट लिया मैंने, वन गैप दिया और इसको टैप करके एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। तो देखिए सिंपल फॉर्म बनना तैयार हो गया। कुछ हमारे साथियों का कहना होगा कि क्या इसमें फ़ोटो के लिए बॉक्स नहीं ले सकते, तो फोटो के लिए आप ले सकते हैं। आपने एक छोटा सा काम करना है कि या तो इंसर्ट पे चले जाइए, ठीक है, और इंसर्ट से एक स्क्वायर आप यहाँ पर बना सकते हैं। जब आप एक स्क्वायर बना लेंगे तो वो आपके फ़ोटो के लिए बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिया और इसका कलर मैं यहाँ से गायब कर दूंगा। फॉर एग्जांपल वो किसी भी जगह पर आप जो रखते हैं उसके अकॉर्डिंग फ़ोटो का साइज़ लेकर के, 2x2 है या 2x2.25 है, उसके अकॉर्डिंग आप मेज़र कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिएगा, कलर चेंज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक्साइटिंग फॉर्म बनाने में हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, और ना इनको ग्रुप करना है ना मूव करना है, ये आगे पीछे भी नहीं होंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसका कलर भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है इजीली। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो उसके लिए शीट बनानी है A टैब, B टैब, C टैब, D। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ पर कर लिया, गैप हम और बढ़ा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप तो इसको कॉलम में बनाएंगे क्योंकि तो आपको ज़रूरत पड़ेगी शीट छोटी करने की। अब मैंने यहाँ पर बुलेट का इस्तेमाल कर लेना है, वन टैब, ताकि ये बुलेट में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तो फिर इस सिचुएशन में आपने इसको बुलेट ले लेना है। सो मैंने होम में जा कर के बुलेट लिया, वन, ओ पहली लाइन की वजह से गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं, वन। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि फॉन्ट का साइज चेक किया, फॉन्ट बदला विंगडिंग्स में, ये रहा विंगडिंग्स, और इसके बाद में मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर देना है। अब मैंने यहाँ दिया ऑल्ट 155, 155, कलर डार्क कर सकते हैं लाइट कर सकते हैं वो आपके अकॉर्डिंग है, या आपको सर्कल नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं ऑल्ट 23 से, ये रहा, जब ये छोटा हो जाएगा तो इतना बोल्ड आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया, कॉपी देन पेस्ट और नंबर चेंज, राइट, सिंपली आप कर सकते हैं गैप वगैरह कम आप कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने गैप कम कर दिया शिफ्ट एंटर की मदद से। तो ये आपने बना लेना है, एक बार शिफ्ट एंटर से बनाता हूँ इक्वल साइज का, ये हो गया एंटर देन पेस्ट होम डिलीट फोर लाइक दिस। इस तरीके से आप बनाना शुरू कर देते हैं अपनी OMR शीट को। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं वीडियो में। अब वीडियो में हमें क्या करना है कि कुछ आंसर शीट दिखानी है कि सही क्या है। तो इस सर्कल को हम चेंज कर देते हैं, इसको ले लेते हैं हम ऑल्ट 105 में, 8 ले लेते हैं, 108, 108 ठीक रहेगा, 108 और 108,
Alt 108 एंड फॉन्ट साइज आप इसका थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, 1, 2, 2 पॉइंट में उसको अप कर रहा हूँ, आप इसको भी 2 पॉइंट अप कर सकते हैं। और बार बार अगर आपको की नहीं प्रेस करनी है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। इस तरीके से ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो साथियों अब ये सारी चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें हमने सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट की मदद से तैयार करनी शुरू कर दी है। मुझे बताइएगा जरूर आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें लेकर के, आपके दोस्त राजीव मिश्रा के साथ। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।